नमस्कार दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा Xiaomi Redmi 4। इस फोन का मैं आज फुल रिव्यू दूंगा और इसका साम फीचर्स के बारे में बात भी करूंगा। अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं जरूर मेंशन करूंगा। फ्रेंड, तो बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। सामने की तरफ मेड इन इंडिया MI की लोगो, Redmi 4, इस तरफ भी Redmi 4 लिखा हुआ और इस तरफ भी Redmi 4। और फ्रेंड, इसका पीछे 1400 mAh का बैटरी, स्नैपड्रैगन 435 का प्रोसेसर, 13 MP का रियर फेसिंग कैमरा और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये फोन आता है। फ्रेंड, ये फोन 3 वेरिएंट में आता है। एक 6999 का जो 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, और एक 8999 का जो 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, और एक 10999 का जो 3GB रैम, 64GB स्टोरेज के साथ ये फोन आता है। तो चलिए फ्रेंड, इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इसको अच्छे से। चलिए, मेरा नाइफ है, नाइफ से। देखिए फ्रेंड, ये फोन जो गोल्ड कलर की है, सामने की तरफ व्हाइट, पीछे की तरफ गोल्ड, और इसके साथ फ्रेंड ये कुछ यूजर मैनुअल, और ये एडाप्टर, और ये डाटा केबल। फ्रेंड, ये चार्जर फास्ट चार्जिंग को बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करता, और ये हाई बिट सिम स्लॉट का एक स्टूल, तो चलो फ्रेंड इसको जल्दी से बूट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये फोन चालू हो रहा है, ये यूजर मैनुअल, और ये चार्जर, डाटा केबल, चलिए फ्रेंड जब तक ये बूट नहीं हो जाता मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो फ्रेंड किप्स करने के बाद थोड़ा कुछ इस तरह को देखने को मिलता है। स्किप, अभी तो कोई सिम कार्ड नहीं है, सिम डाला नहीं, फिंगरप्रिंट बाद में दे दूंगा। स्किप दिस स्टेप्स, चलिए। और फ्रेंड ये पूरी तरह से सेटअप हो गया है। तो फ्रेंड ये हैंडसेट, इसका एंड्रॉइड वर्जन 6.0.1, रेडमी 4, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज,
अगर इसके डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 5 इंची का HD IPS डिस्प्ले, इसका नीचे 3 नेविगेशन बटन और एक माइक्रो USB पोर्ट, इस साइड में माइक और इस साइड में एक स्पीकर और इस साइड में पावर लॉक एंड अनलॉक की बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन और इस साइड में सिम कार्ड स्लॉट, और ऊपर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा आयर ब्लास्टर शाओमी का जो फेवरेट है 3.5 mm जैक, और इसका बैक साइड में अगर बात करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक फ्लैक्स और 13 मेगापिक्सल का रियल फेसिंग कैमरे के साथ ये फोन आता है। फिर अगर इसका ओवरऑल बात करेंगे तो ये फोन 7,000 रुपये में काफी अच्छा है, 2 GB रैम मिलता है, 16 GB स्टोरेज मिलता है, उसके साथ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और मार्शमेलो के साथ आता है, ये जरूर नुगाड़ में अपडेट जरूर करेगा शाओमी। फ्रेंड 7,000 रुपये में काफी अच्छा है फोन। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।